समिति के माध्यम से अयोध्या में भाजपा आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव का महाअभियान चलाएगी। भाजपा के महानगर संयोजक महंत गिरिपति त्रिपाठी ने बताया कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिन 19 नवंबर को लेकर शहीद अशफाक उल्लाह के बलिदान दिवस 19 दिसंबर तक ये महाअभियान चलेगा। कार्यक्रम के तहत 90 बस्तियां व 107 छोटी बस्तियों में भारत माता की पूजन व्यवस्था की जा रही है। 3 प्रचार रथों के माध्यम से शहीदों की गाथाओं का भी वर्णन होगा। 5 दिसंबर को 465 जगहों पर भारत माँ का पूजन किया जाएगा। आज़ादी की लड़ाई में ऐतिहासिक स्थलों पर उन घटनाओं को पुनर्जीवित रख करने का प्रयास होगा, उसकी भावनाओं से जुड़ने का प्रयास होगा। के पूर्ण होने के अवसर पर समाज के विभिन्न जागरूक व्यक्तियों द्वारा स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव की एक समिति बनी हुई है। करीब 90 बस्तियों में और 360 उप बस्तियों में भारत माता के पूजन की व्यवस्था, पूजन का कार्यक्रम बनाया गया है। विभिन्न प्रचार रथों के माध्यम से महानगर की संरचना में वो 3 रथ हैं, वो उन प्रचार रथों के माध्यम से शहीदों की गाथाओं के बारे में उनके चित्रों को हम लोग पूरे नगर में जगह जगह घुमाएंगे। 5 दिसंबर को भारत माता के पूजन की व्यवस्था मेरे ख्याल से 465 या कुछ स्थानों पर 465 स्थानों पर भारत माता के पूजन के कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है। अयोध्या में ऐसे बहुत से ऐतिहासिक स्थल हैं जिनका आज़ादी के आंदोलन में एक बड़ा महत्वपूर्ण उस स्थल पे बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं। उन स्थलों पर जाकर हम लोग उस घटना को पुनर्जीवित करने का प्रयास करेंगे, उसकी भावना से जोड़ने का अपने आप। तो यह कार्यक्रम 19 नवंबर से यानी कि रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिन से शुरू होकर 19 दिसंबर यानी शहीद अशफाक उल्लाह खां के शहादत दिवस के दिन तक हम लोग इसको एक महीने का यहाँ पर कार्यक्रम संपादित करेंगे। 18 नवंबर को सूर्यकुंड पर एक शाम शहीदों के नाम उनको 11,000 दीपों के माध्यम से श्रद्धांजलि हम लोग देंगे।